हेलो एंड वेलकम। आज जो है हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे अपनी बर्ड्स की प्रोग्रेस। और ये कुछ बर्ड्स है जो कि एडल्ट पीसेस है, इसमें से कुछ ब्रीड कर चुके हैं, कुछ जो है अभी रहते हैं ब्रीड से, तो इन लोग की सेटिंग का कुछ मसला था, इस वजह से इसको ब्रीड पर नहीं लगाए हैं। इसमें अल्बाइन और रेडाइस का पेयर है, पार ब्लू स्प्लेटिनो पेस्टल स्प्लेटिनो एंड अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लेटिनो। ये कुछ ऑलमोस्ट तीन पेयर्स हैं। बाकी जो ब्रीडिंग सेटअप है वो यहाँ पर है कॉलोनी में, तो आप लोग देख सकते हैं जो सामने बैठे हुए हैं वो दो ये ब्लू फिशरी है स्प्लेटिनो के चेक्स है, और इस तरह से एक लुटिनो पर्सनाटा, कॉमन लुटिनोस और अल्बाइनोस। तो थोड़ी सी एक छोटी सी प्रोग्रेस चेक करते हैं, मैंने भी नहीं देखा है तो आज मैं भी देखता हूँ कि क्या कुछ ब्रीड वगैरह आई हुई है या नहीं। सो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स से, और आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर एग्स आए हुए हैं और माशाल्लाह से चार एग्स आए हुए हैं। ये लुटिनो पर्सनाटा के पेयर्स के ब्रीड हैं, और इसी के साथ साथ बाकी के भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर ग्रीन फिशर है, तो देखते हैं। इसमें तो माशाल्लाह से दोबारा से चिक्स भी आए हैं, और इसका एक क्लच अभी कंप्लीट हो गया है, अभी दूसरा क्लच में माशाल्लाह से और दो चिक्स और कुछ एग्स अभी भी पड़े हैं। तो एक छोटी सी प्रोग्रेस की वीडियो है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कॉमन लुटिनो बॉक्स बहुत ज्यादा खराब किया हुआ है इन लोगों ने, माशाल्लाह से इसमें भी एग्स पड़े हैं। तो ये भी कुछ प्रोग्रेस है, और चिक्स भी आए हुए हैं बहुत सारे, इतने तो नहीं लेकिन अच्छी खासी ब्रीड आई हुई है इस दफा। तो सारे पेयर्स ने ब्रीड किया हुआ है। नेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं। ये स्प्लेटिनोस का है, और इसमें इसमें भी एग्स है, लेकिन नेस्टिंग इतना अजीब किस्म का किया हुआ है कि एग्स यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये अभी दो एग्स जो है इन्होंने लेग किए हैं, एक और ये दूसरा एग। तो ये फ्रेश एग्स हैं, और इंशाल्लाह बाकी बर्ड्स का भी इस तरह से प्रोग्रेस चल रहा है। ये थोड़ी सी प्रोग्रेस थी, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जो सॉफ्ट फूड हम यूज करते हैं वगैरह बर्ड्स की जो हेल्थ केयर हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स, और इसी तरह से बर्ड्स का दाना वगैरह किस तरह से होना चाहिए, दाना पानी, तो दाने में हम क्या कुछ चीजें देते हैं बर्ड्स को। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ
10 11 किस्म के दाने मौजूद हैं। ये सूरजमुखी के बीज हैं, खुरतम और जौ, और ये जवी है, और इसी के साथ साथ ये सुर्ख गदन है बड़ी वाला, और चीना है, और इसी के साथ साथ सफ़ेद गदन है, जोदर है, बंग के बीज है, और कुछ इसमें वो भी है कैनरी सीड, लेकिन कैनरी सीड थोड़ी सी है, इतना वो हमने नहीं डाली हुई है क्योंकि एक्सपेंसिव है आजकल, तो बजट। आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो बर्ड्स भी खामोश हैं, जो कबूतर हैं हमारे। तो ये दो चिक्स आप देख सकते हैं, दोनों रेसर्स के चिक्स हैं इस गुड्डे में, और ये हमने फॉस्टर किया हुआ है, ये इसका मेल है और ये इसकी हैन है फीमेल। अभी इसको अंदर लेकर जाते हैं कि ताकि ये बर्ड्स को फीड कर सकें। ये गर्दान कबूतर हैं उड़ाने वाले, गर्दान तो नहीं कह सकते क्योंकि नया नया शौक है, लेकिन फिर भी ये फाइटर हैं और अच्छा खासा वो शौक देता है और अच्छा खासा शौक करता है। ठीक है, इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ इनका शौक भी करवाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह हम अपने इस पिजन्स का ख्याल रखते हैं और किस तरह इनको दौड़ाने के लिए तैयार करना होता है। तो माशाल्लाह अच्छी लंबाई पर जाते हैं और अच्छी बरकत है इनकी। इसी के साथ साथ कुछ उधर बैठे हैं, तो चले आप लोगों के साथ और भी ब्रीडर्स जो सेटअप है वो शेयर करते हैं। इसमें कुछ फॉस्टर भी हैं, ये जो है ये हमारा फॉस्टर पेयर्स है, और ये काला गंडेदार है मेल, ये हैं दुबाज हैं रेसर पेजन है, इसी के साथ साथ ये भी काला गंडेदार इसकी मादी है, और माशाल्लाह से दो चिक्स पड़े हुए हैं इनको भी। यहाँ पर तो थोड़ी सी नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक पैर यहाँ पर भी है, ग्रीजर रेसर है, और एक यहाँ पर है, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे, अभी इनको शेयर तय नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ी सी ठंडी है, तो फिर ये बाहर निकल जाते हैं तो बर्ड्स की तबीयत वो ख़राब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो बच्चों वाले कबूतर होते हैं इन लोग को मेरे ख्याल से हर वक्त दाना होना पड़ा होना चाहिए, ताकि ये अपने बच्चों को जितना आसानी से और जल्दी जल्दी फीड दिया करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो पानी और दाना हमेशा इस तरह इसमें रखा करो, ये जो फ्लैट्स है या कनालिया होती हैं, इस तरीके की कनालिया या इस थोड़ी सी बड़ी, तो इसमें रखा करो, तो ये जल्दी काके जाके अपने बच्चों को फीड करवाएंगे तो इंशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी होगी, तो ब्रीड की रेशो बढ़ेगी आप लोगों के साथ। तो ये कुछ आज की अपडेट, और आज तो इतना वो नहीं है, ये भी एक फीमेल है जो कि ब्रीडर है, अभी खाके जाएगी और बच्चों को इंशाल्लाह फीड करवाएगी। तो थैंक यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ और भी अपडेट शेयर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।